नमस्कार, सब फिल्म या सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे इस खास चैनल पर शुरू की गई साहित्य, सिनेमा और मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए इस श्रृंखला के चौथे, माफ कीजिए, पांचवे एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। पिछले सप्ताह के, पिछले वर्ष के जो आखिरी एपिसोड में हमने साल 2018 की कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र किया था जिन्हें जरूर देखा जाना चाहिए। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा, वो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, वे भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि 2018 की ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिन्हें हर फिल्म प्रेमी को किन किन खास वजहों से उन फिल्मों को देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे हर वर्ष के पहले शुक्रवार की, साल का पहला शुक्रवार। जी हाँ, शुक्रवार, शुक्रवार को फिल्मी शुक्रवार भी कहते हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस दिन ही ज्यादातर फिल्में रिलीज होती हैं। यदि कोई दूसरा बड़ा त्योहार या कोई दूसरा कोई बड़ा ओकेजन ना आ रहा हो तो हर फिल्मकार शुक्रवार को ही फिल्में अपनी रिलीज करता है। उसका कारण यह है कि उन्हें एक वीकेंड मिलता है जिसपे फिल्में पैसा कमा पाती हैं, दर्शकों को अपनी ओर खींच पाती हैं। पैसा कमाना हर फिल्मकार की एक अहम मंशा होती है। हर फिल्मकार चाहता है कि वह अपनी फिल्मों से कुछ सामाजिक संदेश दे सके, लोगों को प्रेरित कर सके, जागरूक कर सके, उनका मनोरंजन कर सके। लेकिन इसके साथ ही उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि वे फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाएं, क्योंकि यदि फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी तो ये संभव नहीं है कि फिल्मकार अगली फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। जो निर्माता फिल्मों में पैसा लगाता है वह भी यह चाहता है कि जो पैसा उसने डाला है उतना तो पैसा वापस निकले ही, साथ ही वह इतना पैसा कमा सके कि दूसरी बार एक और फिल्म बना सके। हमने इतिहास देखा है कि कई बड़े बड़े फिल्मकार रहे हैं, बड़े बड़े निर्माता रहे हैं, उन्होंने कई ऐसी फिल्में जिनमें जो कई महत्वाकांक्षी फिल्में रही जिसमें उन्होंने बहुत पैसा लगाया लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। यही कारण है कि दिग्गज फिल्मकार फिल्म माध्यम से ही दूर हो गए, क्योंकि फिल्म माध्यम एक बड़ा ही खर्चीला माध्यम है, महंगा माध्यम। जब आप इसमें करोड़ों रुपया डालते हैं तो आप चाहते हैं कि वो कमाई वापस निकल कर भी आए, और जितना आपने डाला है उससे 40-50% की एक्स्ट्रा कमाई कर ही वो कम से कम दे। लेकिन क्या कारण है कि पहले शुक्रवार को दिग्गज फिल्मकार और कलाकार अपनी फिल्म लाने से हमेशा कतराते रहे। हम सन 2000 इस शताब्दी के पहले की बात नहीं करेंगे, सन 2000 के पहले की बात नहीं करेंगे, बल्कि सन 2000 से लेकर 2018 तक जो बॉक्स ऑफिस पर पहले साल के पहले शुक्रवार पर फिल्में प्रदर्शित हुई हैं उनका क्या हश्र हुआ है, उस बारे में आज हम पड़ताल करेंगे। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने इन 18 वर्षों की फिल्मों का खाका पूरा निकाला है, पूरा चिट्ठा ये मेरे सामने है जिसमें देखा है कि कितने बड़े दिग्गज फिल्मकार अपनी फिल्में लेकर आए और आखिर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर क्या किया। शुरू करते हैं साल 2000 से। साल 2000 जब शताब्दी बदल रही थी, ये कहें कि शताब्दी का 21वीं शताब्दी का पहला शुक्रवार, 21वीं शताब्दी के पहले शुक्रवार पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्म लेकर आए थे। जी हाँ, मेला फिल्म उनकी प्रदर्शित हुई थी जो 7 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी, लेकिन ये वो फिल्म थी जो आमिर खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। तो हम देखते हैं कि शताब्दी के पहले शुक्रवार में ही बहुत बड़ी फ्लॉप एक बड़े स्टार की फिल्म को फिल्म हुई थी। ये इस फिल्म में एक गाना भी था, देखो यारों 2000 जमाना आ गया, खुल के हंसने का जमाना आ गया, इस तरह का कोई गाना था जो कि उस समय लोग ये सोच रहे थे कि ये न्यू ईयर का एक तरह से लोगों को रिझाने वाला सॉन्ग होगा, लोगों को बदलती हुई शताब्दी में लोगों के थिरकने का एक बहुत ही अहम गीत बनेगा। लेकिन गाना भी थोड़े बहुत दिन लोगों की जबान पर रहा होगा, फिल्म तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस फिल्म के कोई गाने भी बहुत ऐसे हम याद नहीं कर पाते, गीत संगीत भी ऐसा नहीं रहा था कि जो याद किया जाए। कमाल की बात ये थी कि सन 2000 में दो बड़े फिल्म स्टार्स के बीच में एक नवोदित फिल्म सितारा चमका था। 7 जनवरी को आमिर खान की मेला रिलीज हुई थी और ऑलमोस्ट 21 या 22 जनवरी के आसपास तीसरे शुक्रवार को फिल्म प्रदर्शित थी फिर भी दिले हिंदुस्तानी, जो शाहरुख खान की फिल्म थी। कमाल की बात यह है दोनों ही बड़े स्टार्स की फिल्म फ्लॉप हुई थी और इन दोनों के बीच में 14 जनवरी को एक नए स्टार की फिल्म आई थी जिनका नाम था ऋतिक रोशन, कहो ना प्यार है, जो लेकर आए थे। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी जो लगभग 6 से 8 महीने उस समय में सिनेमाघरों में लगातार चली थी। तो हम देखते हैं कि पहला शुक्रवार, शताब्दी का पहला शुक्रवार, वर्ष का पहला शुक्रवार सन 2000 में कैसा रहा। बात हम 2001 की करते हैं। इस सन 2001 में कोई भी बड़ी फिल्म पहले सप्ताह में रिलीज नहीं हुई जिसका मैं जिक्र करूं, यदि मैं उनका जिक्र करूंगा भी तो शायद आप उनका नाम भी ना बता पाए। पहले सप्ताह को हम छोड़ देते हैं, दूसरे सप्ताह में सनी देओल की फर्ज फिल्म आई थी। सनी देओल आज के जैसे
आज जैसी उनकी छवि है, ऐसी छवि सन 2000-2001 के समय नहीं हुआ करती थी। 2001 में भी बड़े सितारे थे, जब उनकी से पहले पर्दे पर एंट्री होती थी तो सीटियां बजती थी, वो दृश्य मैंने खुद देखे हैं। लेकिन सनी देओल फर्ज फिल्म लेकर आए थे, प्रीति जिंटा उनके अपोजिट थी इस फिल्म में, लेकिन ये फिल्म भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। दूसरे सप्ताह में प्रदर्शित हुई थी, मैं आपको यहाँ बता दूं 11 जनवरी को शायद ये फिल्म रिलीज हुई थी। सन 2002 की बात करें, इस दिन भी संजय दत्त की फिल्म पिता, जो कि महेश मांजरेकर ने रिलीज, महेश मांजरेकर इसके डायरेक्टर थे, ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। बहुत से लोगों ने तो शायद इसका नाम ही ना सुना हो, जिन्होंने सुना हो, महेश मांजरेकर एक बड़ा बड़े निर्देशक थे उस दौर के, तो इस कारण उनका नाम सुना हो तो शायद आपको पता हो। पिता ये फिल्म ये पहले हफ्ते में रिलीज हुई थी, जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। बात करें 2003 की, सुनील दर्शन फिल्म लेकर आए थे, और कोई छोटे मोटे कलाकार के साथ नहीं, अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर फिल्म तलाश, द हंट बिगिन। ये फिल्म 2003 में 3 जनवरी को रिलीज हुई थी। ये इस फिल्म का भी हासिल वही हुआ जैसे कि पहले के 3 सालों की फिल्मों का हासिल होता हो, बहुत बुरी फ्लॉप फिल्मों में से ये भी थी। जितना पैसा फिल्मकार ने, निर्माता निर्देशक ने, जो पैसा इन्वेस्टर्स ने लगाया था, वो पैसा भी ये फिल्म नहीं निकाल पाई थी। बात करते हैं 2004 की, इश्क है तुमसे, डीनो मारिया और बिपाशा बसु की ये फिल्म थी, ये भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई 2004। 2005 में कई सारी फिल्मों ने पहले सप्ताह में अपनी किस्मत आजमाई। इनमें वादा फिल्म थी, रोग थी, यही है जिंदगी, अमू, ये ऑलमोस्ट 4 या 5 फिल्में पहले फिल्मी शुक्रवार को, साल के पहले फिल्मी शुक्रवार को आपस में टकराई थी, और ये सारी की सारी फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इन फिल्मों को दर्शक नहीं मिले थे, सिनेमा खाली रहे थे, और जो कम बजट की फिल्में थी, वे कम बजट की फिल्में भी अपना बजट निकालने में नाकाम रही थी। सन 2005 में जनवरी के महीने में जो कोई एक हिट फिल्म आई थी, और जो आज भी बहुत ही जो फिल्म प्रेमी दर्शक हैं, जिन्हें कुछ अलग तरह का सिनेमा देखने का शौक है, ऐसे लोगों के लिए आज भी जिनकी पसंद है, ऐसी पेज 3 फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन 21 जनवरी को रिलीज हुई थी। इससे पहले की जितनी फिल्में थी, वे सारी फिल्में 2005 में फ्लॉप रही थी। 2006 की यदि बात करें तो 15 डार्क पार्क एवेन्यू, जवानी दीवानी और देवकी, ये सारी फिल्में पहले सप्ताह में रिलीज हुई थी सन 2006 में। पहले फिल्मी शुक्रवार को रिलीज होने वाली ये सारी फिल्में भी फ्लॉप रही थी। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6 सालों की, मैं पहले फिल्मी शुक्रवार की बात कर रहा हूँ, सारी फिल्में बड़ी फ्लॉप रही। 2006 में जनवरी में एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, ये भी माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है, आमिर खान की रंग दे बसंती। देखिए 2010 एक ऐसा साल रहा है जिस पर एक तरफा राज आमिर खान ने किया है। लगभग उनकी 4 या 5 ऐसी बड़ी फिल्में रही हैं जो हिंदी सिनेमा की यदि टॉप 100 फिल्मों को, टॉप 200 फिल्मों को यदि हम चुने, तो उन चारों पांचों फिल्मों के नाम उनमें हम लेंगे। और ये सारी फिल्में 2001 से 2010 के बीच में रिलीज हुई थी। इनमें लगान है, दिल चाहता है, तारे जमीन पर है, 3 इडियट्स है, रंग दे बसंती है। लेकिन ये सारी फिल्में आमिर खान के होने के बावजूद भी आमिर खान ने जो दशक की पहली फिल्म और शताब्दी की पहली फिल्म पहले शुक्रवार को जो प्रदर्शित की थी, वह फ्लॉप रही थी। और उसके बाद कभी आमिर खान ने पहले शुक्रवार को अपनी फिल्म लाने की गलती नहीं की। बात करें 2007 की, इस 2007 के पहले फिल्मी शुक्रवार को गैम और जाने भी दो यारों, ये दो फिल्में रिलीज हुई थी पहले फिल्मी शुक्रवार को, 5 जनवरी को, और दोनों ही फिल्में बहुत बुरी तरह फ्लॉप थी। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, अभी मेरे से सुना हो तो शायद पता हो। मुझे भी कई फिल्मों के नाम इनमें से नहीं पता थे, जब मैंने थोड़ा गूगल पर खंगालने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ये फिल्में पहले शुक्रवार को प्रदर्शित हुई थी। हाँ, 2007 के जनवरी के दूसरे सप्ताह में एक बड़ी हिट फिल्म आई थी, मणिरत्नम की गुरु, अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म ये मानी जाती है, लेकिन ये दूसरे सप्ताह में प्रदर्शित हुई थी। 2008 की बात करें तो द प्रेसिडेंट इज कमिंग और हल्ला बोल, ये दो फिल्म प्रदर्शित हुई थी। द प्रेसिडेंट इज कमिंग छोटे बजट की ऑफ बीट फिल्म थी, शायद इसके बारे में भी आप ना जानते हो, लेकिन ये पहले शुक्रवार को प्रदर्शित हुई थी, जो फ्लॉप थी। हल्ला बोल दूसरे सप्ताह में प्रदर्शित हुई थी, लेकिन ये भी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। राजकुमार संतोषी की फिल्म थी, अजय देवगन स्टारर ये फिल्म थी, लेकिन ये भी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। 2010 की बात करें, यशराज बैनर की फिल्म, बहुत बड़ा बैनर है यशराज का, शायद ही ऐसा कोई हो, यशराज ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, लेकिन यशराज अपने
आदित्य चोपड़ा के छोटे भाई उदय चोपड़ा को स्टारर ये फिल्म थी। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में थी प्यार इम्पॉसिबल। ये फिल्म 8 जनवरी को प्रदर्शित हुई थी। ये भी बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म में से एक है। बात करें 2011 की, ये एक 2011 थोड़ा सा अपवाद है। जब पहले शुक्रवार को जो फिल्म प्रदर्शित हुई थी वो हिट थी, और ना सिर्फ कमर्शियली बल्कि क्रिटिकली भी एक्लेम्ड फिल्म थी। इसे क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। फिल्म का नाम था नो वन किल्ड जेसिका। विद्या बालन इस फिल्म में थी। हिट कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों ही दृष्टि से ये हिट फिल्म थी। लेकिन यहां भी एक कमाल की बात यह है कि ये पहले साल के पहले शुक्रवार में जरूर प्रदर्शित हुई थी, लेकिन साल की पहली फिल्म नहीं थी। साल की पहली फिल्म 1 जनवरी को ही रिलीज हुई थी, जो कि 2 और 2 5 इस नाम से ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी, जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली फिल्म थी साल की वो तो फ्लॉप ही थी, लेकिन पहले शुक्रवार को जो 2011 में फिल्म रिलीज हुई थी वो हिट फिल्म थी। बात करें 2012 की, बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी, बड़े डायरेक्टर की फिल्म थी और मल्टी कास्टिंग थी, मतलब मल्टी स्टारर फिल्म थी प्लेयर्स। 6 जनवरी को प्रदर्शित हुई थी, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। ये समझिए कि जितना पैसा फिल्म निर्माता ने लगाया था उसका आधा निकालने में भी ये कामयाब नहीं हो पाई। 2013 में टेबल नंबर 21 राजधानी एक्सप्रेस दोनों फिल्में फ्लॉप रही। 2014 में मिस्टर जो बी करवालो अरशद वारसी और सोहा अली खान की फिल्म थी, 3 जनवरी को प्रदर्शित हुई थी 2014 में, फ्लॉप फिल्म थी। और इसी दिन रमेश सिप्पी की शोले 3D वर्जन में रिलीज हुई थी। ये भी पहली शोले की तरह कमाल नहीं कर पाई थी, तो इसको भी दर्शक ज्यादा नहीं मिले थे। बात करें 2015 की, मुंबई कैन डांस, इंटरनेशनल हीरो और टेक इट इजी, ये फिल्म प्रदर्शित हुई पहले शुक्रवार को, तीनों फिल्में फ्लॉप थी। 2016 मॉनसून शूटआउट 1 जनवरी को रिलीज हुई थी, फ्लॉप थी, छोटे बजट की फिल्म थी। थोड़े अच्छे बैनर की फिल्म की यदि बात करें तो अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर इस फिल्म में थे। वजीर 8 जनवरी को प्रदर्शित हुई थी, ये फिल्म भी फ्लॉप थी, हालांकि कई क्रिटिक्स ने इस फिल्म की तारीफ की थी। 2017 की बात करें, हरामखोर फिल्म जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थी, ये फिल्म भी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। और ओके जानू जो शाद अली के डायरेक्शन में बनी थी, आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर ये फिल्म थी। आशिकी 2 की जोड़ी को रिपीट किया था, तो लोगों को उम्मीद थी ये फिल्म कुछ कर पाएगी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। बात करें 2018 की, तो उड़न छू, ये रे पैसा, ये दो फिल्में प्रदर्शित हुई, दोनों फिल्में फ्लॉप रही। 2018 के दूसरे सप्ताह में काला कांडी, 1921 और मुक्केबाज, ये तीन फिल्में प्रदर्शित हुई और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, ये दोनों ही सप्ताह में जो फिल्में प्रदर्शित होती आई हैं वे फिल्मकारों का पैसा डुबाने वाली ही रही है, निर्माताओं का पैसा डुबाने वाली ही रही है। यही वजह है कि पहले शुक्रवार को जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में कोई भी फिल्मकार निर्माता अपनी फिल्म लाने से हिचकिचाते कतराते हैं, और जिन किसी ने भी थोड़ा सा अपना जिगर मजबूत करके इन दिनों में फिल्म रिलीज की है, तो उन फिल्मकारों की क्या गत हुई है, उन बड़े कलाकारों की फिल्मों का क्या हश्र हुआ है, निर्माताओं का कैसे पैसा डूबा है, इन सारी चीजों की हम हमने यहाँ पर पड़ताल की। यही वजह है कि कई लोगों को ये सवाल होगा कि पिछले 3-4 हफ्तों से तो हर सप्ताह कोई बड़ी फिल्म आ रही थी, लेकिन इस जनवरी के पहले सप्ताह में ऐसी कोई भी बड़ी फिल्म प्रदर्शित नहीं हो रही है, क्या कारण है उसका, उसको हमने यहाँ खंगालने की कोशिश की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि कुछ अच्छा ना लग रहा हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप हमें कमेंट कर वह बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।